डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डीबीएमएस। डीबीएमएस यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो 7 क्लास के लिए 3rd चैप्टर है, उसका में आज का टॉपिक है डीबीएमएस। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस आप यहाँ स्लाइड में देख रहे हैं कि डीबीएमएस के दो वर्ड का बना है, यानी पहला है डीबीएमएस यानी डीबी से बना है डाटाबेस, और एमएस से मैनेजमेंट सिस्टम। तो डाटाबेस जो है वो उसका है कि कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का कलेक्शन को है वो डेटाबेस होता है। और मैनेजमेंट सिस्टम में सेट अप प्रोग्राम टू स्टोर एंड रिट्राइव डोज डाटा, यानी कि जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को आप स्टोर कर सकते हैं और रिट्राइव डोज डाटा, यानी कि जो डाटा को हम फिर से रिट्राइव का मतलब कि रिकवर भी हम कर सकते हैं। डाटाबेस जो है वो आपका दो तरह से हम बना सकते हैं, डेटा को स्टोर करते थे, एक होता है मैनुअली और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिकली। तो मैनुअली का मतलब होता है कि डेटा, मैनुअली का मतलब कि उसमें डेटा जो है स्टोर होता है वो पहले पेपर में, फाइल में स्टोर होता था, और इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब हुआ कि अब कंप्यूटर या डिजिटल डायरी या मोबाइल में डेटा स्टोर होता है। तो ये आपका डेटाबेस में ये हो गया कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब है कि अब इस डेटाबेस को यहाँ डिफाइन करने के लिए आप दिखा रहे हैं, ये यहाँ देखिए कि डीबीएमएस क्या है। तो ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर पैकेज, एक सॉफ्टवेयर है दैट हैंडल द टास्क ऑफ क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग, मेंटेनिंग एंड जनरेटिंग रिपोर्ट। यानी ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे जो डाटा है उसको ये क्रिएट कर सकते हैं, यानी डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। अगर मॉडिफाइंग मतलब होता है कि चेंजिंग, अगर कोई चेंजिंग करना है, एडिटिंग करना है, तो आप मॉडिफाइंग कर सकते हैं। दूसरा है मेंटेनिंग, उसको मेंटेन कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। दूसरा उसके बाद है एंड जनरेटिंग रिपोर्ट, और फिर उसको रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस पैकेज आर, तो इसमें बहुत सारा डीबीएमएस के लिए अलग काम करने के लिए बहुत सारा अलग अलग पैकेज दिया गया है, सॉफ्टवेयर है, जैसे है एमएस एक्सेस, माई एसक्यूएल, ओपन ऑफिस बेस, ओरेकल, ये जो है डीबीएमएस पैकेज है। अब है कि इसका फंक्शन, फंक्शन जो है डीबीएमएस में तो कौन कौन सा काम करता है, डीबीएमएस का यूज़ अगर हम करते हैं तो कौन किस काम के लिए, तो ये उसका दिया हुआ है इसका फंक्शन। द मेन फंक्शन ऑफ डीबीएमएस क्रिएटिंग डेटाबेस, डीबीएमएस में हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं जहाँ डेटा को हम स्टोर करते हैं। दूसरा है कि एडिंग रिकॉर्ड, जब ये रिकॉर्ड जो होता है, आपको मालूम है कि डेटाबेस बनाने के लिए हमको टेबल बनाना होता है, तो टेबल में ही फील्ड और रिकॉर्ड होता है। फील्ड हम हेडिंग को कहते हैं और रिकॉर्ड जो होता है वो कॉलम होता है, रिकॉर्ड जो रो होता है और फील्ड जो है वो कॉलम होता है। हेडिंग का मतलब फील्ड, और जिसमें हम रिकॉर्ड बनाते हैं किसी स्टूडेंट का वो आपका रो में बनता है। तो एडिंग यानी अगर अपने जैसे कि स्टूडेंट टेबल बन रहा है तो आप स्टूडेंट टेबल में कोई डाटा को ऐड करना है बीच में, जैसे कि आपको कोई डाटा ऐड करने के लिए आप उसमें आप स्टूडेंट का नाम दिए हैं लेकिन उसमें उसके फादर्स का नाम नहीं है, तो उसको ऐड करने के लिए आप यहाँ पे जैसे यहाँ टेबल है तो यहाँ देख रहे हैं कि नाम लिखा हुआ है लेकिन फादर्स नेम नहीं है। तो एडिंग रिकॉर्ड यानी कि डीबीएमएस में फैसिलिटी है कि डेटाबेस में हम फिर से कोई चीज़ जोड़ सकते हैं। अगर फिर आपको डेटाबेस में जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है मॉडिफाइंग यानी चेंजिंग करना है तो आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद है डिस्प्लेइंग, डेटा को जो आप रिकॉर्ड बनाए हैं डेटाबेस में उसको पूरा देख सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। स्टोरिंग यानी कि रिकॉर्ड को स्टोर कर सकते हैं। डिलीटिंग, अगर जो टेबल में किसी स्टूडेंट का पूरा डेटा ही गलत है तो रिकॉर्ड को आप क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। इन जनरेटिंग रिपोर्ट, जब पूरा रिकॉर्ड आपका बन जाता है, टेबल में पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाता है तो फिर वह रिपोर्ट बन जाता है, तो रिपोर्ट को हम देख सकते हैं, जनरेट करा सकते हैं। जब रिपोर्ट बन गया तो उसको हार्ड कॉपी के रूप में उसको हम प्रिंट भी करा सकते हैं। तो डीबीएमएस के द्वारा ये सारा काम करना बिल्कुल आसान हो जाता है। अब ये सारा काम हमको सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप कर सकते हैं।
तो अगले वीडियो में हम DBMS के बारे में के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसका क्या क्या फीचर्स हैं ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।